हेलो एवरीवन। तो सेकंड सेमेस्टर का कॉस्टिक सब्जेक्ट का क्लासेस चलेगा कंटिन्यू। लास्ट जहां तक हमको याद है हम आप लोगों को मटेरियल पढ़ा रहे थे, तो मटेरियल में पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। सिर्फ एक सब बचा हुआ है, वो हम उसको ऑफलाइन में ही पढ़ाएंगे जब आप लोग वापस कोचिंग में आइएगा। अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन। तो बुक कॉपी निकाल लीजिए, हम लोग अभी कुछ दिन जब तक लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग इसी से काम चलाना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि आप लोगों न्यूज़ तो आ गया कि यू हैव टू गिव द एग्जाम, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। और आप लोग कॉस्टिंग भी सिलेबस सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है, तो ज्यादा दिन रुकना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए जितना हो सके हम लोग कर लेंगे। इसके बाद ऑफलाइन के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस दे के हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कर लेंगे। तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ा सम 10 मार्क्स में ही आएगा, छोटा में भी आ सकता है, बड़ा में ही ज्यादातर आता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे बहुत सारा चैप्टर रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं समझ में आएगा तो आपको बहुत सारा चैप्टर पे प्रॉब्लम आने वाला है। तो क्वेश्चन को एकदम अच्छा से समझना है, अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा हम बार बार बोल रहे हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि इसके आने वाला चैप्टर लेबर प्रोसेस कॉस्टिंग सब में क्वेश्चन का थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज आपको लगेगा ही लगेगा। तो हम पहले आज कॉस्टिक में इंट्रो क्लास देते हैं, तो थोड़ा बहुत इंट्रो दे देंगे आप लोगों को, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा देंगे। सम तो एक ही करेंगे, सेकेंड क्लास में सम ज्यादा करेंगे, इसलिए पहला क्लास है तो उसे इंट्रो देंगे और एक ही क्लास एक ही सम करेंगे। तो सुनिए, अब सर बात यह है कि कॉस्टिक क्या होता है ना, तो कॉस्टिक क्या होता है सुनिए। अगर मैं सिंपल सा बात बोले, जैसे कि अगर आपका अपना फैक्ट्री है, तो अगर आप माल जब प्रोडक्शन करते हैं तो आप सिंपल क्या करते हैं कि हम माल बना रहे हैं सर, हम माल बनाने में 10 रुपया खर्च किया, तो 10 रुपया जब खर्च करते हैं तो क्या 10 रुपये में ही जाके बेचोगे? नो, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपये में 3 रुपया प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में 13 रुपये बेचते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम माल बनाया है 10 रुपया, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके 3 रुपये करके हम मार्केट में 15 रुपये में बेचते हैं। बट बात यहाँ क्या है, बात ये है कॉस्ट। आपको जब अपना माल प्रोडक्शन करते हो तो एक माल में टोटल कितना खर्च आता है, कितना खर्च हम कर रहे हैं, सारा खर्च को ऐड करके तब पता चलता है कि माल को तैयार करने में मेरा कितना रुपया खर्चा हुआ है। तो अगर एक छोटा मोटा बात करें तो भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा खर्चा हुआ ऐड किया पता चल गया, लेकिन एक बड़ा बिजनेस की अगर बात करें जहां पर हजारों यूनिट 10-10 हजार यूनिट जब माल बनता है, तो उस जगह पे जब प्रोडक्शन होता है तो माल को रेडी करने में बहुत रुपया खर्च होता है, और अलग अलग सेगमेंट में खर्चा होता है। तो हर जगह का सेगमेंट का खर्चा को जोड़कर एक जगह आकर के पता चलता है कि प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट आया है। तो इस चैप्टर में वो यही पढ़ना है कि हम एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना रुपया खर्च किया, कहाँ कहाँ से किया, सबको एक जगह लाके ऐड करके पता करेंगे कि माल को कितना में रेडी किया। अब जैसे कि बात होता है कि सर अगर माल बना रहे हैं तो एक माल बनाने में क्या क्या खर्चा होता है। एग्जाम्पल तौर पर तुम अगर एक माल बनाओगे तो क्या बिना मटेरियल को तो माल बनाएंगे? एग्जाम्पल तौर पर हम अगर कोई चीज लाया है तो उसको लाने में मेरा मटेरियल लग गया 10 रुपया, हम 10 रुपया का एक मटेरियल लाया, लाने के बाद मटेरियल तो हाथ पे तो नहीं लाएंगे, गाड़ी में आएगा। मान लीजिए कि गाड़ी भाड़ा लग गया कैरेज 2 रुपया, गाड़ी भाड़ा 2 रुपया लग गया। फिर उसके बाद लेबर को बुलवाया कि भाई लेबर को काम वाम करना है, तो लेबर से हम काम करवाया, 4 रुपया लेबर लिया माल बनाने का। अब फैक्ट्री का भाड़ा देना पड़ेगा, फैक्ट्री का लाइटिंग का भाड़ा देना पड़ेगा, तो फैक्ट्री का खर्चा कुछ जोड़ा, चलिए 3 रुपया। अब चले गए हम ऑफिस पे, तो अगर ऑफिस का बात करें तो ऑफिस में जो लोग काम करता है उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, ऑफिस का लाइटिंग का खर्चा, हीटिंग का खर्चा, ऑफिस का सारा खर्चा जोड़ दें, ऑफिस का खर्चा जोड़ा 4 रुपया। एग्जाम्पल अब अगर आते हैं माल रेडी तो हो गया, अब हमको माल बेचना है, तो हम एक सेल्समैन को पकड़ेंगे कि भाई तुम इस माल को भिजवा दो, एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, गाड़ी में वेयरहाउस में माल पहुंचा के माल को थोड़ा दिन स्टोर करेंगे। तो ये सब जो खर्चा है ये सब खर्चों को पकड़ लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसमें खर्चा हो गया आपका 4 रुपया। फाइनली पूरा माल को रेडी करने में आपका कितना रुपया खर्चा होगा, तो कितना हो गया एक माल को रेडी करने में 10 2 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 24 27। इसका मतलब हम जो गुड्स बनाया है उसमें मेरा 27 रुपीज
खर्च हो गया। अब आप इसमें अपना 3 रुपया प्रॉफिट रखकर इसको आप 30 रुपया में बेच दीजिएगा। तो बात यह है क्वेश्चन कि हम एक माल बनाने में कितना रुपया खर्च कर रहे हैं उसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। अब आपको तो बहुत सिंपल वे में समझाया कि एक माल को तैयार करने में कितना खर्च होता है, सिंपल तरीके से बताया। लेकिन जब बड़ा बिजनेस जब किया जाता है तो उसमें क्वेश्चन कैसे होता है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें सिर्फ ऐड ही करना है, कुछ करना नहीं, ऐड और लेस करना, सिर्फ ऐड ही करना है, सब जोड़ना है। लेकिन जितना भी खर्चा आता है सबको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब जैसे समझा रहे, अब सैलरी हम सिर्फ ऑफिस वर्कर को नहीं देते, लेबर को भी देते हैं। लेबर कौन? जो फैक्ट्री में काम करता है। तो सर यहां पर अगर हम बात करें, एक होता है वेजेस और एक होता है सैलरी, तो दोनों ही खर्च है, बट हम वेजेस को कौन सा हेडिंग में रखेंगे और सैलरीज को कौन सा हेडिंग में रखेंगे? तो भाई सिंपल सा बात है, वेजेस जो है हम उन लोग को देते हैं जो फैक्ट्री में काम करता है। तो मतलब ये सर ये खर्चा हो गया फैक्ट्री का, लेकिन हम सैलरी उन लोग को देते हैं जो ऑफिस में काम करता है, तो ये कहाँ का चले गया? ऑफिस का खर्चा है। अब हम आते हैं, जैसे कि कुछ मेरे कंपनी में ऐसा लोग हैं जो सेल्स को प्रमोशन करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, जो घर घर जाके सेल्समैन का काम करता है, तो उन लोग को भी हम सैलरी दे रहे हैं। तो वो सैलरी किधर चले जाएगा? ये ऑफिस में नहीं जाएगा, ये उन लोग का अंदर जाएगा जो मेरा प्रोमोशन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, तो वो डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है सर? बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जब कॉस्ट रेडी करेंगे, जितना भी खर्च आता है, जितना भी हम खर्च करेंगे, सब खर्चा को अलग अलग हिस्सा में डालेंगे। मतलब अगर फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में रखेंगे, ऑफिस का है तो ऑफिस में रखेंगे, सेलिंग का पार्ट है तो सेलिंग में रखेंगे। लेकिन हम तो अभी 3 बताए, लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपका 5 से 7 हेडिंग होता है। नॉर्मली 90% जितना भी आइटम आएगा तो तुम आराम से कर लोगे अपना कॉमन से। हम इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं देंगे ना कोई फॉर्मेट, हम एक सिंपल फॉर्मेट देंगे, क्योंकि अगर सारा फॉर्मेट हम लिखा देंगे तो फिर रट्टा मार के याद करके कोई फायदा नहीं है। हम बेटर है कि हम उसको समझ के पढ़े। हाँ यही है कि 5 से 7 आइटम तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि उस आइटम को कहाँ कहाँ, तो 7 से 8 आइटम हम लोग सम्स करते करते क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ डाला। लेकिन 90% जितना भी आइटम है तो हम लोग को कॉमन सेंस है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि सर अगर लेबर का काम है तो फैक्ट्री में डालेंगे, ऑफिस वर्कर है तो ऑफिस में डालेंगे, सेल्समैन का काम है सेल्समैन का खर्चा तो सेलिंग में डालेंगे। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे और थोड़ा याद कर लेंगे, उस जरिए से हम लोग क्वेश्चन को रेडी करेंगे। अब जैसे बात रहा कि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है, तो हम एक बेसिक फॉर्मेट दे देंगे, स्ट्रक्चर बता दे रहे कि उसमें कितना हेडिंग होता है, कौन आइटम किसके अंदर आएगा। उसके बाद फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला है वो लिखवा देंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम करेंगे। तो जैसे देखिए तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे, तो हम क्या बताएं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि इसमें क्या क्या चीज आपका आ सकता है। तो आपको फॉर्मेट भी बेटर तरीके से समझना जरूरी है। जैसे यहां पर लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो सर जैसे आप बोले कि इसमें कितना सारा हेडिंग है, तो हेडिंग सुनिए। पहला हेडिंग मटेरियल कंज्यूम हेडिंग दिया। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम के बाद आता है डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद आएगा फैक्ट्री ओवर हेड। उसके बाद आएगा ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड। इसके बाद लास्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड। तो क्या बोला था कि जो खर्चा होता है उस खर्चा को सिर्फ करना ये है कि जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना, सिर्फ आपको खर्चा को क्लासिफाई करना है कि कौन खर्चा किस हेडिंग के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड लेस करना हम सिखा देंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखाया, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जैसे कि सर कुछ एग्जांपल दीजिए जो थोड़ा क्लियर हो जाए, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, मटेरियल कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 आइटम आएगा, क्या आएगा वो भी सुन लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी चीज का अगर ओपनिंग स्टॉक रहेगा ऐड होगा, अगर क्लोजिंग रहेगा तो माइनस करोगे, ओपनिंग कोई भी स्टॉक रहेगा ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा। अब ओपनिंग स्टॉक 3-3 बार भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 3-3 बार भी आएगा, लेकिन कौन सा किधर जाएगा उस सम करते हुए क्लियर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो वर्ड क्या यूज किया, रॉ मटेरियल, कहां रॉ मटेरियल, देखिए यहां पर मटेरियल वर्ड आया तो हम इसको यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखा एग्जाम्पल, मटेरियल परचेज, हम मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीदा तो मटेरियल किसके अंदर आएगा, किसी के अंदर आएगा, तो लिखा मटेरियल परचेज। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अभी क्या बोला कि कोई भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा ऐड करोगे, क्लोजिंग रहेगा तो माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, लेकिन क्या लिखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल है तो इसके अंदर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सॉल्व करेंगे और भी दो आइटम आएगा, बट अभी तो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर दे रहे कि जनरली क्या आता है, तो सिर्फ बेसिक्स भी समझा दे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा इसका नाम होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आगे आते हैं, ये है डायरेक्ट कॉस्ट। देखो भाई जब सिंपल सा बात बोल दे रहे, डायरेक्ट कॉस्ट कोई भी अगर फिक्स सम्स में अगर कोई लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट ये डायरेक्ट कॉस्ट सब इसके अंदर है, लेकिन 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 दो तीन चीज आपको याद रखना है, हम बोला ना क्या कुछ 3 से 7 आइटम याद करना, जैसे कि अगर कभी भी रॉयल्टी रहेगा, ROYALTY रॉयल्टी, तो आपको उसको डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही लिखना है। चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल CHARGEABLE चार्जेबल एक्सपेंस, वो भी इसके अंदर आएगा, 2 से 3 आइटम आपको याद रखना होगा। और लेबर को जो पैसा देते हैं, जो लेबर को प्रोडक्टिव वेजेस, अगर खाली लिखा रहा वेजेस इसमें आएगा, सर फैक्ट्री में नहीं, फैक्ट्री में नहीं लिखिएगा, अगर हाँ अनप्रोडक्टिव वेजेस रहा, अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव में बहुत फर्क है, अगर प्रोडक्टिव वेजेस रहा तो इसमें लिखिएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस रहा तो इसमें लिखिएगा, सिर्फ वेजेस रहा डायरेक्ट कॉस्ट में लिखिएगा, और अगर सिर्फ वेजेस लिखा रहा तो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो सर जैसे कि अगर इसमें हम क्या क्या बोला आप लोग बताओ, तो रॉयल्टी, चार जेबल एक्सपेंस, और ये क्या बताया वेजेस, तो लिखकर इसको ऐड करेंगे तो यहां जो आंसर आएगा इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, क्या बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अब आते हैं ये क्या लिखा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड, सिंपल सा बात है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा रहेगा, जैसे अभी जैसे लेबर का पहले पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, सर मान लीजिए फिर से वेजेस आया तो हम क्या इधर, क्योंकि वेजेस तो फैक्ट्री का आता है तो सर आप इधर क्यों लिखे, क्योंकि वेजेस दो तरह का हो सकता है, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव, बस ख्याल है अगर प्रोडक्टिव रहेगा या खाली वेजेस रहा तो डायरेक्ट में लिखोगे, और अगर अनप्रोडक्टिव वेजेस रहा तो हम उसको लिखेंगे फैक्ट्री ओवर हेड कहते हैं। ठीक है, अब जो भी फैक्ट्री का खर्चा है, चाहे वो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा, सब कहा लिखेंगे इसी के अंदर, फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंस, जो भी फैक्ट्री का खर्चा रहेगा इसमें लिखेंगे, लेकिन लेकिन अब एक चीज आ जाती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू
आईपी, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ माल अभी प्रोसेस पे है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक। तो अभी समझाते जा रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो एक यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जरूर आया, लेकिन क्या आया? वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे वहां रॉ मेटेरियल आया था तो हम इसमें लिखा था, तो वर्क इन प्रोग्रेस आया तो हम इसमें लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा, क्योंकि अब क्या समझाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेस। अब इसको सॉल्व करके यहां एक फिगर आएगा जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, WORK, वर्क कॉस्ट। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वर्ड में समझ आ रहा है, जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा रहेगा सब इसमें आएगा। जैसे कि कोई भी ऑफिस का खर्चा रहेगा, एनी टाइप्स ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, सब करते करते क्लियर हो जाएगा। हम बोला ना पूरा फॉर्मेट हम नहीं लेना चाहते, हम जैसे बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे ताकि तुम सम, क्योंकि आपको याद नहीं कराना चाहते, सम को खुद समझो, तीन चार आइटम में याद कर लेंगे, लेकिन सब आइटम को कॉमन सेंस से करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंस को इसको ऐड करने के बाद जो है फिगर आएगा, इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद ऑफिस में जो खर्चा रहा वो ऐड करने के बाद जो फिगर आया उसको बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन एक और चीज अब आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक, फिर से ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग स्टॉक तो ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, यहाँ पर वर्ड क्या है, फिनिश गुड। तो कभी भी फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक रहेगा या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड रहेगा तो हम ऑफिस में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करेंगे, क्योंकि हम बताते हुए आ रहे कि ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। याद रहे तीन चीज, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो यहां आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फैक्ट्री में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑफिस के अंदर आएगा। सॉल्व करने के बाद यहां जो फिगर आएगा इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनली उसके बाद जितना भी हम सेलिंग में खर्चा करें, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, प्रोमोशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम अपना माल को गोडाउन में रख रहे हैं, उसका भाड़ा दे रहे हैं, ये सब खर्चा एक सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा सभी में लिखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को यहाँ लिख के ऐड करके यहाँ जो फिगर आएगा इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब कि हम जो माल बनाया है उस माल को बनाने में और बेचने में टोटल मिला के मेरा इतना खर्चा आया, उसमें हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करके एक माल का पूरा सेल, सॉरी एक माल का पूरा सेल वैल्यू आ जाएगी, इस माल को कितना बेचेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि माल को बनाने में कितना खर्च आया। तो इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि कल क्या रसीद ऐड ही कर रहे हैं, जो क्लोजिंग खाली माइनस करते रहे हैं। तो और भी चीज है, दो आइटम और दो तीन आइटम है जो माइनस करेंगे, वो हम सम्स में डिटेल में जब जाएंगे तब समझाएंगे, लेकिन यूजुअली सब प्लस हो रहा है। तो सर हम प्लस तो ऐसे भी कर सकते हैं आगे पीछे के नहीं, वर्षिप का मतलब होता है कि आपको एक पैटर्न के साथ जोड़ना होगा कि कौन सा खर्चा कौन जगह में जाना चाहिए। जैसे अभी बोला मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है तो आप उसको मटेरियल के अंदर डालो, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा तो फैक्ट्री के अंदर डालो, ठीक है, तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा तो ऑफिस में डालो, सेलिंग से रिलेटेड खर्चा तो सेलिंग में डालो। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आपको पोस्चर रेडी करना पड़ेगा। अब एक बात है, जब हम सम्स करेंगे तो हम जब फॉर्मेट बनाएंगे, अभी तुम उनसे पूछोगे सर ये वाला का क्या काम है, खैर बाद में बताएंगे, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इसमें पर यूनिट है, हम लोग एक एक इसका दाम निकालेंगे, वो भी आगे जब दो तीन क्लास के बाद ही क्लियर होगा। यहाँ पर समझना फिर से एक बार बता दे रहे कि जब आप फॉर्मेट बनाइएगा तो आपको पहले इसे हेडिंग देना पड़ेगा, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग, सब में कम से कम सात आठ 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 लाइन छोड़ छोड़ कर आपको पहले फॉर्मेट बना लेना होगा। ऐसा नहीं आप सोचोगे आप क्वेश्चन बना रहे सर पूरा क्वेश्चन को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सोचोगे सर पहले पढ़ दे ऊपर से नीचे जो जो ऑफिस का तो ऑफिस में लिखेंगे, नहीं, आप पूरा फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, लाइन से क्वेश्चन पढ़िएगा, जैसे आए पहले फैक्ट्री का लिखो, फैक्ट्री में लिख देंगे,
ऑफिस का है तो हम ऑफिस पे लिखेंगे, मटेरियल का है तो जाके मटेरियल पे लिखेंगे। तो फॉर्मेट रेडी रखोगे, बस जो जहां का आइटम है वहां पर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास में पूरा इंट्रो दे दिया, फॉर्मेट दे दिया, इसको पहले कॉपी करना कर लीजिए, लेकिन सब ऐसे ही करेंगे, फिर भी कॉपी कर लो। एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, बेसिक आइडिया लेने के बाद इसको कॉपी करने के बाद अच्छा से कॉपी करके हम इसको फिर भी नेक्स्ट सम्स करेंगे, इसको अच्छा से समझाएंगे।